सो गाइज वेलकम बैक एंड गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे बना सकते हो हिमलैंड जैसा सर्वर अपनी जावा एडिशन में। सो देखो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग कैसे बना सकते हो हिमलैंड जैसा सर्वर, बट वो सिर्फ पॉकेट एडिशन के लिए था। बट बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि हमें वो जावा एडिशन के लिए भी चाहिए। सो गाइज आ गई ये वीडियो जावा एडिशन के लिए। बट गाइज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये सेम टू सेम वो पॉकेट एडिशन के सर्वर जैसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो जावा एडिशन में ना मेरे को सारे के सारे मॉड्स नहीं मिले जो कि मैंने पॉकेट एडिशन के वीडियो में बताए थे। बट आप लोग को ना इस वीडियो में मजा जरूर से जरूर आने वाला है। आप लोग जैसे इस सर्वर में खेलोगे ना आप लोग को लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया लगने वाला है, मतलब पूरे हिमलैंड्स की वाइब आने वाली है। एंड गाइस आप लोग को शाउट आउट कमेंट वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। बट अगर आप लोग को एक फुल सेटअप माइनक्राफ्ट का सर्वर बनाना है तो मैंने उसके ऊपर पहले से वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के बाद, वो वीडियो भी जरूर जरूर देख लेना। एंड आप लोग को बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइस जब मेरा टाइम वेस्ट करते हुए चले आज के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहले आप लोग को एक जावा एडिशन का सर्वर बना लेना है। आप लोग चाहे तो इसके आईपी एडिट भी कर सकते हो। तो मैं भी जल्दी से एक जावा एडिशन का सर्वर बना लेता हूं। सो गाइस जावा एडिशन का सर्वर बन जाने के बाद आप लोग को सिंपली थ्री लाइंस पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप लोग वहां जाओगे आप लोग सिंपली paper/bucket या फिर spigot/bucket सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी जल्दी से paper/bucket सिलेक्ट कर लेता हूं। उसका आप लोग को सिंपली लेटेस्ट वर्जन लगा लेना है। लेटेस्ट वर्जन लगाने के बाद आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। उतना हो जाने के बाद मैं भी आप लोग को कुछ प्लगइन्स एंड मॉड्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग का सर्वर पूरा का पूरा हिमलैंड जैसा हो जाने वाला है। तो देखो इंस्टॉल तो हो गया, उसके बाद आप लोग को सिंपली ऑप्शंस में चले जाना है एंड यहाँ आप लोग को सिंपली क्रैक्ट वाला ऑप्शन ऑन कर देना है जिसकी मदद से जिसके पास स्पीड माइनक्राफ्ट है वो भी ज्वाइन कर पाएंगे एंड जिन्होंने क्रैक्ट लिया हुआ है वो भी एकदम आराम से ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग का सर्वर। सो इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग को जाना है प्लगइन्स वाली ऑप्शन में एंड अभी मैं आप लोग को कुछ प्लगइन्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग का सर्वर पूरा का पूरा हिमलैंड जैसा हो जाने वाला है। सो गाइस नंबर वन पे आता है अपना उबर एनचांट वाला प्लगइन। सो आप लोग ने हिमलैंड्स पे देखा होगा कि उनके आर्मर्स पे ना बहुत तगड़े तगड़े एनचांटमेंट्स लगी होती है। सो देखो ये उबर एनचांट की प्लगइन की मदद से होता है। इसकी मदद से आप लोग अपने आर्मर पर 100,000, 1,000 जितनी चाहे उतनी लेवल की एनचांटमेंट लगा सकते हो। सो गाइस सेकंड नंबर पे आता है अपना एंटी फॉल डैमेज वाला प्लगइन। सो देखो आप लोगों ने डार्क हिमलैंड्स में देखा होगा कि वह फॉल डैमेज नहीं मिलता। सो गाइस ये इसी प्लगइन के मदद से होता है। जैसे आप लोग ये प्लगइन लगाओगे ना आप लोग को फॉल डैमेज नहीं मिलेगा एंड आप लोग को पूरी हिमलैंड जैसी वाइब आने वाली है। सो गाइस जब बात कर लेते हैं अपन लोग थर्ड नंबर की प्लगइन के बारे में। सो गाइस थर्ड नंबर पे आता है अपना जी सेट वाला प्लगइन। सो ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप लोगों ने हिमलैंड्स में देखा होगा कई बार वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं या फिर सो जाते हैं। सो गाइस ये इसी प्लगइन की मदद से होता है। इसकी मदद से अपन लोग किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं या फिर सो सकते हैं, लिटरली वो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। सो आप लोग को ये वाला प्लगइन भी लगा देना। सो गाइस फोर्थ नंबर पे आता है अपना प्रोटोकॉल लिप वाला प्लगइन, जिसके मदद से ना बाकी के जो प्लगइन्स है ना वो अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं, मतलब आप लोग के माइनक्राफ्ट में लैग एंड एफपीएस भी बूस्ट हो जाने वाला है। सो गाइस जब बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर के प्लगइन के बारे में। सो गाइस फिफ्थ नंबर पे आता है अपना कस्टम डेथ मैसेजेस वाला प्लगइन। सो आप लोगों ने हिमलैंड्स में देखा होगा कि अगर कोई भी मरता है ना तो वह कस्टम डेथ मैसेजेस आता है। सो इस प्लगइन के मदद से आप लोग सिंपली वो भी अनेबल कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट नंबर पे आता है अपना आई डिस्गाइज वाला प्लगइन। बहुत ही बेस्ट प्लगइन है क्योंकि देखो इसकी मदद से आप लोग ना किसी भी मॉब या फिर किसी भी प्लेयर का रूप ले सकते हो। आप लोगों ने हिमलैंड्स में देखा होगा जो एंटिटीज थे ना होगलाला एंड हुलाला वो दूसरों के रूप ले लेते थे एंड स्मार्टी एजियो सब एकदम आराम से पागल बना देते थे। गाइस आई नो ये जावा का सर्वर है बट मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, बट आप लोग को ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस सर्वर को बनाने के बाद। सो देखो उतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद आप लोग को सिंपली वर्ल्ड्स वाली ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप लोग वर्ल्ड्स वाले ऑप्शन में जाओगे ना वो आप लोग को सिंपली डेटा पैक्स मिलेगा, वो आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है एंड अब मैं आप लोग को कुछ मॉड्स बताने वाला हूँ जो आप लोग को यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। एंड देखो ये मॉड्स ना जिप में रहने वाले इसलिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सो गाइस नंबर वन पे आता है अपना 9x ट्राइडेंट वाला डेटा पैक। सो आप लोगों ने देखा होगा हिमलैंड्स में एजियो के पास जो ट्राइडेंट रहता है ना वो इसी मॉड की मदद से मतलब इसी डेटा पैक की मदद से। सो आप लोग को सिंपली ये वाला डेटा पैक वह अपलोड कर देना है एंड आप लोग भी क्राफ्ट कर पाओगे एजियो वाला ट्राइडेंट जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है। गाइस टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि लास्ट में मैं आप लोग को ना हिमलैंड्स का मैप भी देने वाला हूँ एंड आप लोग को ना अनब्रेकेबल वॉल भी बनाना सिखाने वाला हूँ। गाइस सेकंड नंबर पे आता है अपना प्लेइंग एज हीरो ब्राइन वाला डेटा पैक। आप लोग इसके नाम पे मत जाना बट ये बहुत ही अच्छा अपन लोग को डेटा पैक मिल जाता है। तो आप लोगों ने हिमलैंड्स में देखा है वहाँ एक हीरो ब्राइन वाली स्वॉर्ड भी थी। सो आप लोग को ना इसी डेटा पैक की मदद से मिलने वाली है एंड सिर्फ हीरो ब्राइन की स्वॉर्ड ही नहीं, इसमें आप लोग को हीरो ब्राइन के बहुत सारे नए नए आइटम्स भी मिलने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा
ज्यादा अमेजिंग है, कूल है एंड वो डिस्ट्रक्शन भी करने वाले। सो अभी के लिए मेरे को तो ये दो ही डेटा पैक्स मिले जिसके मत से आप लोग कैसे भी हिमलैंड जैसी हो सकती है, बट अभी आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। तो गाइज मैं अभी आप लोग को ना हिमलैंड्स के मैप्स देने वाला हूँ एंड प्लस सबसे पहले अभी बात कर लेते आप लोग अनब्रेकेबल वॉल कैसे बना सकते हो आप लोग की माइनक्राफ्ट की सर्वर में। गाइज जब बात कर लेते हैं आप लोग हिमलैंड जैसी अनब्रेकेबल वॉल कैसे बना सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में, सो सबसे पहले आप लोग को 3 ब्लॉक्स गहरा एक गड्ढा डिग कर लेना होगा एंड आप लोग को जितनी बड़ी वॉल चाहिए ना उतना एक्सटेंड करते जाना है इस गड्ढे को। सो आप लोग देख सकते हो मेरे को अभी थोड़ी सी बड़ी वॉल चाहिए एंड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे इसमें पासवर्ड लगा सकते हो एंड लिटरली कोई भी इस वॉल के ऊपर से या फिर इस वॉल को तोड़ के आर पार नहीं जा सकता। सो गाइस देखो ब्लॉक्स डिग करने के बाद आप लोग को ना सिंपली दो कमांड्स डालने पड़ेंगे। सो सबसे पहले नंबर पे आता है आप लोग का /give@s डाल के आप लोग को सिंपली आगे डिनाई लिख देना है। उतना हो जाने के बाद आप लोग को ना सिंपली हाथ में एक डिनाई ब्लॉक मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो सेकंड नंबर पे आता है अपना /give@s वही डालना है आप लोग को एंड आगे आप लोग को border_block डाल देना है। इसके मत से आप लोग को सिंपली बॉर्डर ब्लॉक मिल जाएगा एंड ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप लोग को एक अनब्रेकेबल वॉल बनानी है हिमलैंड जैसी। सो नीचे आप लोग को ना एक लेयर डिनाई ब्लॉक से भर देनी है एंड उसके ऊपर आप लोग को ना सिंपली बॉर्डर ब्लॉक लगा देना है जो कि लाल कलर का है। अभी आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो कुछ ऐसे आप लोग को सिंपली डिनाई ब्लॉक के ऊपर लगा देनी है। उतना जाने के बाद आप लोग को जो आइटम चाहिए ना वॉल बनाने के लिए वो ले लेने। सो मैं अभी जल्दी से ब्रिक्स ले लेता हूँ, रेडस्टोन ले लेना है, रेडस्टोन टॉर्च ले लेनी है, लीवर ले लेना है एंड आयरन का एक डोर भी ले लेना है। देख सकते हो मैंने सारी चीजें ले ली है वॉल बनाने के लिए एंड उसके बाद आप लोग को ना सिंपली ब्रिक्स है ना इसके ऊपर सिंपली बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। सो देख सकते हो बॉर्डर ब्लॉक के ऊपर आप लोग को जो भी ब्लॉक से वॉल बनानी है उस ब्लॉक को लेके आप लोग को सिंपली अपनी वॉल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। वॉल बिल्ड हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली मिडल में दो ब्लॉक्स खोद लेना है एंड वहां पर लोग डोर लगाने वाले हैं। उसी के साइड में एक ब्लॉक छोड़ के आप लोग को कुछ 6 लीवर्स ऐसे लगा देने। सो देख सकते हो अभी आप लोग को कुछ ऐसे लीवर्स लगा देने 6 एंड गाइस उतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली अपना पासवर्ड डिसाइड कर लेना है जो कि आप लोग रखने वाले हो इन लीवर्स की मदद से। सो मैंने मेरा पासवर्ड डिसाइड कर लिया एंड उसके पीछे आप लोग को सिंपली रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। जो आप लोग का पासवर्ड है ना उन लीवर्स के पीछे ही आप लोग को सिंपली रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है एंड उतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली दरवाजे के पीछे का 1-2 ब्लॉक से खोद देना है एंड उसके नीचे की बॉर्डर ब्लॉक ना सिंपली आप लोग को तोड़ देनी है। वो बहुत जरूरी है आप लोग को तोड़ना वरना कोई भी वहां से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एंड उतना हो जाने के बाद आप लोग को सामने से दरवाजा लगा देना है एंड उतना हो जाने के बाद रेडस्टोन टॉर्च आप लोग को सिंपली दरवाजे के नीचे लगा देनी है। इतना हो जाने के बाद आप लोग का आधा काम खत्म हो चुका है। सो इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली रेडस्टोन टॉर्च के पीछे रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है। जो भी टॉर्च हवा में उसके पीछे एक ब्लॉक लगा के बाद रेडस्टोन डस्ट लगा दीजिए एंड जो भी टॉर्च नीचे ना आप लोग को सिंपली ग्राउंड पे रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है। इतना हो जाने के बाद जो भी मिडल वाली डस्ट है ना आप लोग को सिंपली वहां से कुछ ऐसे गड्ढा खोद लेना है एंड उसको आप लोग को सिंपली उस दरवाजे के रेडस्टोन टॉर्च कनेक्ट कर लेना है। आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये सब अपन लोग ना हाइड कर देंगे ब्लॉक्स एंड कारपेट की मदद से। सो देख सकते हो कुछ ऐसे आप लोग को सिंपली कनेक्ट कर देना है एंड उतना हो जाने के बाद लिटरली अभी अपन लोग का ये पूरा का पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। सो मैं आप लोग को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं मेरा पासवर्ड डालूंगा ना अभी आप लोग देखना मैंने पासवर्ड डाल रहा हूँ, देख सकते हो अपना दरवाजा खुल चुका है बट अभी पूरा का पूरा काम खत्म नहीं हुआ। अभी अपन लोग को ना ये सब कुछ छुपाना है, अंदर भी एक लीवर लगाना पड़ेगा जिसके मत से जो भी अंदर है ना वो भी बाहर जा सके। सो इतना हो जाने के बाद आप लोग को ना सिंपली स्टोन के ब्रिक्स लगा के इसको पूरा का पूरा ऐसा कवर कर देना है दोनों तरफ से, मतलब किसी को भी शक नहीं होगा कि यह एक नीचे पूरा का पूरा पासवर्ड सिस्टम बनाया हुआ है। सो आप लोग को ऐसे पूरा का पूरा छुपा देना है एंड आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी अपनी रेडस्टोन डस्ट है ना उसके ऊपर कोई भी ब्लॉक मत लगाना वरना कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा एंड ये वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। उसकी जगह आप लोग सिंपली ना इसके ऊपर कारपेट लगा लीजिए, मतलब किसी को भी शक नहीं होगा नीचे रेडस्टोन एंड किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला एंड उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि आप लोग ने नीचे एक पासवर्ड का सिस्टम बनाया हुआ है। सो आप लोग को ये पूरा का पूरा कवर कर देना है। गाइस देखो मैंने ऐसा पूरा का पूरा कवर कर दिया एंड कुछ भी अपन लोग को पता नहीं चल रहा कि यार नीचे कुछ बनाया हुआ है या फिर नहीं। सो अगर आप लोग चाहो तो ये भी कवर कर सकते हो पूरा का पूरा, देख सकते हो नीचे अपन लोग का पूरा
पासवर्ड का सिस्टम बनाया हुआ है। एंड गाइस जब बात कर लेते जो भी अंदर है ना वो बाहर कैसे जा सकता है, मतलब वो दरवाजे को कैसे खोल सकता है। सो अभी तो पहले से दरवाजा खुला हुआ है, सो अपन लोग को सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। सो अभी देख सकते हो यहाँ आप लोग को सिंपली एक ब्लॉक डिग कर देना है एंड वहाँ नीचे रेड स्टोन होना चाहिए। देख सकते हो उस लीवर के नीचे रेड स्टोन डस्ट है, उसका कनेक्शन है। जैसे मैं लीवर को फ्लिक करूंगा दरवाजा बंद हो जाएगा एंड मेरे को अगर वापिस से खोलना है तो ये खुल जाएगा। सो गाइस देख सकते हो मैं अभी सर्वाइवल में आ चुका हूँ एंड अभी अपन लोग टेस्ट करने वाले इस वॉल को। सो देख सकते हो मेरे को ये वॉल तोड़ते नहीं आ रही है एंड मैं कुछ भी नहीं तोड़ पा रहा, लिटरली इस डोर को भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अगर कोई इस वॉल के ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जा पाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे को नहीं जाते आ रहा है, मैं नीचे गिर गया। बट अभी अपन लोग जल्दी से पासवर्ड डालते एंड देखते कि क्या डोर खुलता है या फिर नहीं। देख सकते हो फाइनली डोर खुल चुका है एंड यहाँ से अपन लोग फिर से डोर बंद कर सकते हैं। सो ऐसा आप लोग बना सकते हो अनब्रेकेबल वॉल अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर एंड वर्ल्ड दोनों में। सो गाइस इतना हो जाने के बाद मैं आप लोग को ना सिंपली कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैप्स के लिंक दे दूंगा, जैसे कमांडर मैप, डार्क हिमलैंड्स मैप, नॉर्मल हिमलैंड्स मैप। सो आप लोग को सिंपली वर्ल्ड्स वाले ऑप्शन में जाके वहां अपलोड के बटन पे क्लिक करके जो भी मैप में आप लोग को खेलना है ना वो वाला मैप आप लोग को सिंपली अपलोड कर देना होगा। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली SMP ऑनलाइन करके ज्वाइन कर लेनी है। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने नॉर्मल हिमलैंड्स वाला मैप अपलोड कर दिया था एंड देख सकते हो मैंने SMP भी ज्वाइन कर लिया एंड लिटरली पूरी हिमलैंड्स वाली फीलिंग आ रही है। एंड जैसे मैं अंदर जाऊंगा अभी आप लोग देख सकते हो चारों तरफ से वॉल लगाए हुए एंड देख सकते हो इसमें अपन लोग को बहुत सारे OP बिल्ड्स देखने को मिल जाते हैं। लोग को कमेंट सेक्शन में से 3-4 मैप्स की लिंक मिलेगी, जैसे डार्क हिमलैंड्स, नॉर्मल हिमलैंड्स। आप लोग को जिसमें खेलना है ना आप लोग सिंपली उसमें खेल सकते हो। अगर आप लोग चाहो VR वर्जन एंड VR बैकवर्ड्स वाला प्लगइन भी लगा लेना, जिसके मद से पुराने एंड नए माइनक्राफ्ट वर्जन के प्लेयर्स भी आराम से ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग की SMP। एंड गाइस देखो आप लोग इसमें गीजर MC वाला प्लगइन मत लगाना वरना इसमें गड़बड़ हो सकती है। अगर आप लोग को MCP के लिए बनाना है सर्वर, सो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये सर्वर पूरा हिमलैंड जैसा परफेक्ट नहीं है, बट आप लोग को मजा जरूर से जरूर आने वाला है। सो गाइस सबसे पहले देख लेते आज की शाउट आउट कमेंट्स को। सो गाइस यही थी आज के शाउट आउट कमेंट्स। अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए, फिर आप लोग को मिलेगा शाउट आउट। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।